नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के साथ बातचीत कर रहे हैं और आपको सीधी बातचीत दिखा रहे हैं कि पब्लिक का क्या मानना है। हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं, जो पिछले 70 सालों से जिनका परिवार डेरा सता सौदा के साथ जुड़ा हुआ है, इनसे जानते हैं कि सच क्या है, ये क्या बात आपको बताना चाहते हैं। विनोद कुमार जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर, 70 सालों से आप आश्रम में आपका परिवार आ रहा है। हां जी, आ रहे हैं। क्या आज भी आपका पूरा परिवार आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल आ रहे हैं जी। बहन बेटियां भी आती हैं सर? सब आ रहे हैं, अभी भी साथ में है जी। बेटियों को लेकर माहौल कैसा है सर आश्रम में? इससे अच्छा माहौल तो कहीं पे है नहीं जी, कहीं पे चले जाओ आप। सुरक्षा कैसी रहती है सर बेटियों की? सुरक्षा है वो यहीं पे है जी, और कहीं तो सुरक्षा ही नहीं है। स्कूल में जाओ चाहे कहीं जाओ यहाँ सर, लेकिन मीडिया में तो उल्टा दिखाया जा रहा था। बिल्कुल गलत था जी, वो यहाँ कोई सुरंग नहीं है जी। जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाए हुए हैं जी। सर ऐसे क्यों, मतलब एक संत के ऊपर इस तरीके से आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? लोगों की दुकानें बंद हो रही है जी, नशा माफिया की हो रही है, राजनीति सिस्टम है जी सब। गुरु जी ने क्या किया है लोगों के लिए? गुरु जी ने तो बहुत भलाई के काम किए हैं, गरीबों के मकान बनवाने के लिए, खूनदान के लिए प्रेरित किया है संगत को। सर 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब बहुत बुरा प्रभाव है जी, संगत पे भी है और आम लोगों पे भी है जी। जरूरत है सर समाज को? बिल्कुल जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे नशों में डूब रहे हैं अब। सर क्या कहना चाहोगे आप समाज के लोगों को जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरु जी को देखा है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे? जिस भाई ने देखा है वो गलत दिखाया गया है जी उनको। और आपका क्या मानना है, गुरु जी का नेचर कैसा है सर? गुरु जी तो बिल्कुल नेचर बढ़िया है जी। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी उनको दिया किया जाए और समाज भलाई के कार्य गति से चले तेजी से जी। बहुत बहुत धन्यवाद समाज के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा की, जो लगातार मांग बढ़ती जा रही है। लोगों का यही कहना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज आपके सामने हजारों लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार इन लोगों का कहना है कि करोड़ों लोग आज भी संत जी के साथ हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत